अस्सलाम वालेकुम, इजी लाइफ के साथ जहां हाजिर हैं। आज हम बना रहे हैं लोबिया, लोबिया का सालन। ठीक है, तो ये मैंने आधा किलो लोबिया लिया था, इसे ओवरनाइट मैंने सोक कर दिया था, ठीक है, भिगो दिया था। वैसे 3-4 घंटे में भी ये नरम पड़ जाता है। इसके लिए हमें चाहिए प्याज, 3 अदद प्याज लिए थे मीडियम, 3 टमाटर लिए थे, 3 हरी मिर्च ली थी, अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 चम्मच, धनिया पाउडर 1 बड़ा चम्मच, नमक एज़ पर योर टेस्ट, हल्दी और लाल मिर्च पिसी हुई 2 टीस्पून और ऑयल। ठीक है, तो ये हम शुरू करते हैं रेसिपी, देखिए कैसी बनती है। वैसे तो ये पतीले में भी लोबिया बन जाती है, लेकिन जल्दी बनाने के लिए मैं कुकर यूज़ कर रही हूँ। इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच खाने के ऑयल, ठीक है। फिर डालेंगे हम ये प्याज, प्याज को हम थोड़ा सॉसी करेंगे, लाइट ब्राउन सी हो जाए पहले। ये देखिए प्याज हो गई है लाइट ब्राउन सी, इसके अंदर हम डाल देंगे टमाटर, ठीक है, ये अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्ची, धनिया, नमक, हल्दी, ये सारी चीज़ें हम डाल देंगे। इसको थोड़ा अच्छी तरीके से हम भून लेंगे। इसमें हल्का सा पानी डाल दें ताकि मसाला सही तरीके से भून जाए। देखिए मसाला अच्छी तरीके से भून गया है और इसके ऊपर ये पूरा ऑयल आ गया, इसका मतलब आपका मसाला भून गया, ठीक है। ये लोबिया जो था हमने भिगोया था, वो हम लोबिया इसमें डाल देंगे। ठीक है, और अब हम इसमें डाल देंगे पानी 2 ग्लास भर के, ताकि लोबिया गल जाए। जब लोबिया गल जाएंगे फिर आगे का प्रोसीजर हम आपको बताते हैं। ये देखिए माशाल्लाह ये बिल्कुल डन हो चुके हैं, ठीक है, ये लोबिया बिल्कुल गल चुका, ये देखिए बिल्कुल बहुत अच्छा सा गल चुका है। इसको हमने स्टर किया, चूल्हा बंद कर दिया, ठीक है। ये हरी मिर्ची है, ये हरी मिर्ची आपने डाल दी, और थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा डाल दीजिए, तो इससे जो है ज़रा खुशबू आ जाएंगी आपके, इसमें थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। ऑप्शनल है, अगर आप डाल पसंद करते हो ज़ीरा तो आप ज़रूर डालिए। ये आपका लोबिया तैयार है, ये मैं आपको सर्व करके बताती हूँ, ठीक है। इसको आप रोटी के साथ, बॉइल्ड राइस के साथ भी ले सकते हैं, नान के साथ भी ले सकते हैं। हम जहां आसानी वहां, देखिए ये प्रोग्राम जहां के साथ।